सवाल ये है कि वाले नफ्स का अलैका हक, इसकी हद क्या है, कहाँ जाके हद शुरू या ख़त्म होती? नफ्स को इतनी तकलीफ में नहीं डालना चाहिए कि वो टूट जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के सफ़र के मुतालिक ये तमसील बयान फरमाई थी कि थोड़ा सा सफ़र है ये, थोड़ा सा सुबह करो, थोड़ा सा दोपहर को करो, बीच में आराम कर लिया करो, थोड़ा सा शाम को करो। तो अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त डालना ये जायज़ नहीं। एक दूसरे मौके पर आपने फरमाया कि देखो, तुम अल्लाह ताला को नेकियां करके थका नहीं सकते, तुम खुद थक के टूट जाओगे, इसलिए जितनी तौफीक मिलती है उतनी नेकियां करते रहो। ये है अला नफ्स का हक़, अपने नफ्स के हकूक़ भी हैं, और साथ ये भी है जौजे का अला का हक़, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है, तेरी औलाद का भी तुझ पर हक है, इन सब के हकूक़ अदा करो। और दूसरी बात क्या थी?